बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आज मैं आपको अपना 5.2 किलोवाट का सोलर सिस्टम दिखाने जा रहा हूँ। इसमें तकरीबन इस वक्त तकरीबन 9 पैनल लगे हुए हैं और एक पैनल जो है वो 330 वाट का है और ये पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी है और ये कंपनी जो है ये पैनल जिसके लगे हुए हैं ये ट्रीना सोलर सेल्स हैं, ये आप देख सकते हैं और ये पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी है और तकरीबन ये टोटल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 2970 वाट है। इसमें 4000 वाट्स तक कैपेसिटी है, यानी कि मज़ीद 6 पैनल और लग सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दे आर फेसिंग टुवर्ड साउथ और आज सूरज भी जो है वो बड़ा शाइनिंग है और वेदर बिल्कुल साफ़ है और इस वक्त जो है वो मैं पैनल्स की बैक साइड पे हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये इसका जंक्शन बॉक्स है और ये केबलिंग कनेक्टअप की गई है, सारी MC4 कनेक्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं और ये आप देख सकते हैं इसका जंक्शन बॉक्स है, ठीक है, और ये इसकी टैली है ट्रीना सोलर की, इसके ऊपर स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है, और ये इसका जंक्शन बॉक्स है, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं ट्रीना सोलर की स्टैम्प और बारकोड लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल पैनल है, ये छोटा सा स्टिकर लगा हुआ है जो शो करता है कि ये ओरिजिनल पैनल्स हैं। यहाँ से केबल्स नीचे जा रही हैं, तकरीबन ये 2 वायर्स हैं रेड और ब्लैक नीचे जा रही हैं, सारी वायरिंग जो है जो एक्सपोज्ड है वो PVC कंड्यूट में है ताकि वेदर से प्रोटेक्शन हो सके और ये इसकी ट्रीना सोलर की जो है वो डेटा शीट है, ये आप पढ़ सकते हैं, क्लास ए प्रोडक्ट है और इस वक्त जो पैनल्स का एंगल है वो तकरीबन 25 डिग्री है, टिल्ट एंगल जो है आप देख सकते हैं कि इस वक्त पैनल्स को बारिश की वजह से थोड़े गंदे हो गए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इनको वॉश करने का जो है क्या सेटअप बनाया हुआ है। तो ये हमारी टैंक है, वाटर टैंक, तो इसका एक पाइप नीचे आ रहा है, डिस्चार्ज पाइप, ड्रेन पाइप, तो इसके साथ हमने ये एक नोज़ल लगा के तो पाइप लगाया हुआ है और पाइप के एंड पे हमने एक ब्रश लगाया हुआ है और साथ उसके नीचे जो है वो एक पाइप लगाया हुआ है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि हम इनको कैसे वॉश करेंगे। पानी हमने खोल दिया है, आप देख सकते हैं पानी निकल रहा है, तो अब हम इन पैनल्स को वॉश करेंगे। ये देख लें कितना स्मूथ तरीके से वॉशिंग हो रही है बगैर किसी प्रॉब्लम के। ये एक पैनल तकरीबन वॉश हो चुका है, अब दूसरा पैनल वॉश होने जा रहा है। साथ में ब्रश से क्लीनिंग भी हो रही है और मिट्टी भी साफ़ हो रही है, जो भी इसके जो हैं वो बारिश की वजह से डस्ट वगैरह और उसके पानी के धब्बे जो थे
वो इससे साफ हो रही हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सेटअप आप भी लगा सकते हैं अपने घर में, क्योंकि पैनल्स को बड़ा फ्रीक्वेंटली जो है वॉश करने की ज़रूरत होती है, ताकि इनकी एफिशिएंसी जो है वो बरकरार रहे। अब हम नेक्स्ट पैनल की तरफ चलते हैं। तो ये देखें, ये पैनल्स भी जो है वो बड़े ही खूबसूरत तरीके से साफ़ हो रही हैं, इसमें कोई कपड़ा कोई किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टिल्ट एंगल की वजह से सारा पानी जो है वो नीचे चला जाता है। बाकी ये पैनल्स को वॉश करने के बाद आपको नीचे के सेटअप की तरफ लेके जाता हूँ। मैंने आपको पैनल की सारी डिटेल्स दिखा दी है और क्लीनिंग भी दिखा दी है। अब ये है कि सोलर के ऊपर ये मोटर को ऑन किया है, जो कि हार्स वन हाफ एचपी की मोटर है, तकरीबन 600 वाट के करीब जो है वो करें जो इसकी पावर है, और ये इस वक्त चल रही है सोलर के ऊपर। बाकी मैं आपको बाकी लोड ऑन करके दिखाता हूँ। माइक्रोवेव भी ऑन कर लेते हैं, ये भी काफ़ी पावर लेता है, इसकी टाइमिंग बढ़ा देते हैं ताकि लोड चेकिंग हो जाए। मैं एसी को भी ऑन कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं इस वक्त हीट मोड में चल रहा है 32 डिग्री पे। तो क्योंकि इस वक्त दिसंबर का महीना है, तो इसको हीट मोड पे जो है वो ऑन किया है। अभी चलते चल के देखते हैं लोड कितना है पैनल के ऊपर। यह सेटअप है 48 वोल्ट का, चार बैटरीज हैं, टाल ट्यूबलर डीप साइकिल बैटरीज हैं, और ये मेरा एक्सपर्ट किंग 5.2 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये इसके नीचे सर्किट ब्रेकर्स हैं। तो इस वक्त देखते हैं कि टोटल पावर जो जनरेट हो रही है पीवी से वो तकरीबन 1.91 किलोवाट जनरेट हो रही है। तीन चीज़ें चल रही हैं मेजर, और इस वक्त करंट जो पीवी से ड्रा हो रहा है वो 34 एम्पेयर है, और इसका हम देखते हैं कि इस वक्त घर का लोड कितना है। ₹54% लोड है, और ये तकरीबन 2.81 किलोवाट जो है वो घर का लोड है। और जो इस वक्त पीवी से जनरेट हो रहा है वो तकरीबन 1.90 किलोवाट जनरेट हो रहा है। तो ये एम्प्स आप देख सकते हैं 34 एम्प्स के करीब जनरेट हो रहे हैं इसमें से। तो ये 48 वोल्ट सिस्टम है, ये इसमें बैटरीज लगी हुई हैं, बैटरी बैंक है। ये नीचे इसके सर्किट ब्रेकर्स आप देख सकते हैं, ये इससे आप बैटरीज को टर्न ऑफ कर सकते हैं, सोलर को टर्न ऑफ कर सकते हैं, ऑफ डबे चेंज ओवर कर सकते हैं। तो ये इसके सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं। तो इस वक्त जो पीवी है वो 1.83 किलोवाट जनरेट कर रहा है, क्योंकि इस वक्त दिसंबर का महीना है तो धूप में इतनी शिद्दत नहीं है। तो गर्मियों में मैंने इसको टेस्ट किया है, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 2970 है, जबकि ये तकरीबन मुझे इसने 70% से ज़्यादा जनरेट करके दी है, और तकरीबन 2300 वाट तक ये मैक्सिमम गया है जो मैंने इसको टेस्ट किया है। जबकि मज़ीद मैं इसमें पैनल लगाऊंगा
तो उससे ये कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। बाकी आप इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी बैटरी चार्जिंग वोल्टेज जो है वो 54 वोल्ट है, और इसमें आप मज़ीद ये भी देख सकते हैं कि तकरीबन 31 महीने में 31.8 वाट जो है किलोवाट आर इसने यूनिट जनरेट किया, और 57.9 वाट जो है इसकी टोटल आउटपुट रही है इस सिस्टम की। तो ये मेरा जो है वो एक्सपर्ट किंग का 5.2 किलोवाट का जो है वो सिस्टम है, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। शुक्रिया।